हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम हलवाई की तरह बेसन के लड्डू बनाना सीखेंगे। ये लड्डू बिल्कुल हलवाई की तरह बनेंगे और इसे हम परफेक्ट मेजरमेंट से और बिल्कुल सही तरीके से हम इसे बनाने वाले हैं। कोई गलती नहीं होगी अगर आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो ये बिल्कुल हलवाई की तरह बनेंगे। आप देख सकते हैं ये कितने दानेदार बने हैं, बिल्कुल हलवाई की तरह बने हैं ये। तो चलिए बेसन के लड्डू बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए हमने ये 200 ग्राम फाइन बेसन लिया है जो नॉर्मल हमारे घरों में अवेलेबल होता है। 200 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा हमने ये चीनी ली है। 200 ग्राम हमने घी लिया है। हलवाई वाले ज़्यादातर वनस्पति घी का यूज़ करते हैं तो हमें घर में जो सुपीरियर क्वालिटी का घी होता है उसे यूज़ करना है। और ये हमने थोड़े से कुटे हुए बादाम लिए हैं, आप इसे चाहे तो कट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इलायची का पाउडर लेंगे और ये हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है। ये नेचुरल फूड कलर है, इसे डालने से बिल्कुल हलवाई के जैसा आप बेसन के लड्डू का कलर आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस चीनी से बूरा बना लेते हैं। इसे हम तगार भी बोलते हैं क्योंकि हम जो ये अभी बनाने वाले हैं इसका जो दाना होता है वो मार्केट वाले बूरे से ज़्यादा मोटा होता है। तो आप चाहे तो मार्केट का बूरा भी यूज़ में ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में चीनी डाल देंगे और इसमें हम चीनी डूबने जितना सा पानी डालेंगे और अच्छे से मेल्ट होने तक पकाएंगे इसे। ये देखिए चाशनी धीरे धीरे मेल्ट होने लग गई है, अभी भी इसमें चीनी के क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। तो इसे अच्छे से मेल्ट करेंगे हम। लगभग 3 से 4 मिनट के बाद चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसमें मैजिक करने वाले हैं। तो ये देखिए इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे और घी डालने के बाद हम इसे इस तरीके से कंटिन्यूसली हिलाएंगे। चम्मच की सहायता से हम इसे लगातार इस तरीके से चलाते रहेंगे, बिल्कुल नहीं रुकना है हमें, इस तरीके से चलाते रहना है। और गैस का फ्लेम भी हमें मीडियम रखना है। घी डालने की वजह से ही चीनी में जो है क्रिस्टल्स बनना बंद हो जाएंगे और इसमें जो है बूरे वाली कंसिस्टेंसी बनेगी। ये देख सकते हैं आप, धीरे धीरे ये मिक्सर गाढ़ा होने लग गया है और जैसे जैसे ये गाढ़ा होते रहेगा ये बूरे के जैसे बनता रहेगा और इसके जो चीनी के क्रिस्टल्स है वो बिखर के बूरे के जैसे बन जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना जल्दी ये मिक्सर ड्राई हो गया है और बूरे के जैसे बन चुका है ये। इसे हम चम्मच की सहायता से इस तरीके से फोड़ लेंगे। नहीं भी फूटते तो कोई बात नहीं, हम इसे छानने के बाद में मिक्सर जार में चला करके इसे पीस लेंगे तो ये बिल्कुल फाइन पाउडर की तरह हो जाएगा। ये देखिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए अब हम इसे प्लेट में इस तरीके से छान लेंगे और छानने के बाद जो ये गठलियाँ रह जाएगी इसे मिक्सर जार में पीस करके इसे भी छान लेंगे और ये पूरी तरीके से ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसका दाना कितना मोटा है। तो हमने घर पे ही लड्डुओं के लिए बूरा बना के तैयार किया है। तो चलिए लड्डू बनाते हैं अब। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में घी डालेंगे, लगभग हमने सारा घी डाला है, बस इतना ही घी हमने बचा के रखा है। और इसे मेल्ट होने के बाद हम इसमें बेसन डालेंगे। घी को हमें गर्म नहीं करना है, सिर्फ हमें मेल्ट करना है। जैसे ही ये मेल्ट होएगा हम इसमें बेसन मिला देंगे और इसे हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। आप इसे आराम से धीरे धीरे मिक्स करें, इसमें किसी भी तरह की गठलियाँ नहीं बनेगी। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे इसके लम्प्स अपने आप ही ख़त्म होने लग जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने इसे। और अब हम इसमें बचा हुआ घी भी डाल देंगे। देखिए हमें बेसन और घी को मिला करके इस तरीके की कंसिस्टेंसी बनने तक ही हमें घी का यूज़ करना होता है। अभी आपको ये मिक्सर गाढ़ा लग रहा है,
लेकिन बाद में ये मिक्सचर अपने आप ही लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो अब हम इसे लगभग 20 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए सेकेंगे। इसका फ्लेम हमें बिल्कुल कम रखना है। अगर आपको टाइम का प्रोसेस थोड़ा लंबा लग रहा है तो आप अपनी मनपसंद के गाने सुनते हुए ये काम करें, आपका टाइम बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और इसे हम इस तरीके से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। हमें इसको बिल्कुल लाइट हाथों से इस तरीके से मिक्स करते जाना है कंटिन्यूसली। किसी भी तरीके से मेहनत नहीं है, सिर्फ इसे आपको कंटिन्यूसली इस तरीके से मिक्स करना है। अब हम इसे अगले 10 मिनट तक और पका लेंगे। तो अब देखिए पूरे 20 मिनट हो चुके हैं और उसके बाद आप इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल चेंज हो गया है, बादाम के कलर के जैसा इसका कलर हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए अब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे। आप देखेंगे कि इसे डालने से इसमें बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर आएगा। और इसे भी हम लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। तो चलिए अब हम इसमें हलवाई के लड्डू के जैसे दाने बनाने हैं, तो उसके लिए हमने मोटे बेसन का यूज़ नहीं किया था। तो इसकी कंसिस्टेंसी दाने जैसी बनाने के लिए हम इसमें थोड़े से पानी के इस तरीके से छींटे मारेंगे और इसे लगातार हम इस तरीके से चलाएंगे। बिल्कुल भी हमें नहीं रुकना है, इसे इस तरीके से चलाते रहना है और वापस से ही जब तक लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाएगा हम इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे। 1 मिनट में ये पूरा इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और फिर से हम इसमें थोड़े से पानी से और छींटे मारेंगे। इस प्रोसेस को हमें 2 बार करना है। ये देख सकते हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी वापस से पहले जैसी हो गई है। हमारा मिक्सचर भी तैयार हो चुका है और अब हम इसे ठंडा करने के लिए एक डीप तले के बर्तन में डाल देंगे, जिसे हम परात बोलते हैं। तो ये देखिए हमने इस मिक्सचर को ठंडा कर लिया है। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमें, गुनगुना होने जितना ही हमें इसे ठंडा करना है। आप हाथ लगा के चेक कर सकते हैं, जब ये मिक्सचर हल्का गुनगुना हो जाएगा तब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, कुटे हुए बादाम डाल देंगे और अब हम बूरा डालेंगे। इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है, एक साथ हम इसमें मिक्स नहीं करेंगे। और इसे चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बचा हुआ बूरा भी हम इसमें ऐड करेंगे, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको चीनी की जगह बूरा यूज़ करना है, मार्केट वाला बूरा यूज़ करना है, तो आप सेम क्वांटिटी से आप 200 ग्राम बूरा इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे हाथों की मदद से इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। तो ये देखिए मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है और अब हम इससे छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। अगर आपने बचपन में मिट्टी से लड्डू बनाए होंगे तो ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें ये लड्डू बनाने हैं। बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये लड्डू बनाने में, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से हम ये लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं हलवाई की तरह लड्डू बने हैं और इसी तरीके से हम ये सारे लड्डू बनाएंगे। और आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से ये बेसन के लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं और बिल्कुल हलवाई की तरह हमने ये लड्डू बनाए हैं, ये देखिए। ये देखिए बेसन के लड्डू बनके तैयार हैं।
आप चाहे तो इन्हें प्लेन भी रख सकते हैं या फिर आप इन्हें डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम डेकोरेट कर लेते हैं। लेकिन इसे देखने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। इससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। तो ये देखिए, इन्हें डेकोरेट करने के लिए मैंने ये चांदी का वर्क लिया है। तो इन लड्डुओं पर हम इस तरीके से ये चांदी का वर्क लगा देंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे लगाएंगे। तो सभी लड्डुओं पे हमने ये चांदी का वर्क लगा दिया है। और ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लिया था, इससे मैंने इस तरीके से इस पे बिंदी टाइप में लगा दी है, जिससे ये दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप अपने पसंद के अनुसार इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और अब इस पर हम थोड़े से कटे हुए पिस्ता डाल देंगे। ये देख सकते हैं आप, इस पर हमने थोड़े से केसर के धागे भी डाले हैं। बिल्कुल हलवाई की तरह हमने ये लड्डू बना के तैयार किए हैं। अगर आपने इस तरीके से लड्डू बनाए तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये घर पे तैयार किए हुए लड्डू हैं। और इसे मैंने हलवाई वाला लुक देने के लिए इसे स्वीट्स वाले डब्बे में इसे मैंने डाले हैं। आप देख सकते हैं, बिल्कुल हलवाई की तरह बने हैं ये। तो आप भी इस गणेश चतुर्थी के त्यौहार पर गणेश जी को घर पे बनाए लड्डू का भोग लगाएं। और अगर आपको ये मेरे बेसन के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।